जी प्रभु ठीक जी, है, रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट। कीर्तन, ओके, हो गया ना स्टार्ट? जी प्रभु जी, ओके, पर मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है वो रिकॉर्ड। अच्छा, यस, स्टार्टेड। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जयो गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा गोविंद जीव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त कथित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं, वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं, तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च, नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुन स्यादो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः।
अज्ञाननिराधि रूपेति यया विशेषम् भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चै तत्त्वं परम पुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्य भ्रत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्ण। निखिल श्रुति मौलि रत्न माला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नर्यूत मुखं श्रीराम दूतं शरणं प्रपत्ते। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवद गीता की कक्षा के अंदर, और मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, और जब प्रश्न उत्तर होगा तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तब तक आप लोग म्यूटेड ही रहेंगे। यदि आपको कुछ इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप जो है चैट पे लिख सकते हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा, तो उससे पहले जो है ये म्यूट ही रहेगा। तो मैं आपके सामने जो हूँ, आई एम शेयरिंग जो है द श्लोका, मैं आपको जो है आज का जो श्लोका है वो शेयर करता हूँ। आज का जो श्लोका है वो भगवद गीता से है, और 2.60 बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। और आपने देखा कि कैसे हम इंद्रियों को जो है, इंद्रियां कितनी शक्तिशाली है मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं एक बार श्लोक निकाल रहा हूँ ना, फिर विल डिस्कस। यस, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, आप लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैंने आप चैट में बता सकते हैं आप लोगों को दिख रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। श्लोक तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अभी बुक्स दिखाई दे रही है ना, बहुत सारी? हाँ, बुक्स है। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको फिर से। अभी दिखाई देगा। ये रहा, ये श्लोक है हमारा, ठीक है। वॉट आई कैन डू, मैं ऐसा विचार कर रहा था कि आप लोग मेरे पीछे श्लोक रिसाइटेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दे दिया है, सो काइंडली आप लोग केवल श्लोक उच्चारण के लिए जो है, आप लोग अभी अनम्यूटेड हैं, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय, पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि, हरन्ति प्रशभं मनः, यततो हि अपि कौन्तेय, पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि, हरन्ति प्रशभं मनः, यततो हि अपि कौन्तेय, पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि, हरन्ति प्रशभं मनः, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप में से कौन पढ़ेंगे बताइए? प्रभु जी मैं पढ़ूंगा। तो ठीक है, आप पढ़िए, मैं बाकी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। प्रभु जी पढ़िए, इंग्लिश में है।
तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है पढ़ने में? मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ. मेरे पास है बुक है तो चल जाएगा उससे. इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा तो, क्योंकि अभी डिस्प्ले तो यही है तो नहीं मैं. हाँ तो फिर कोई और डिवोटी ट्राई कीजिए. नहीं कर पाऊंगा मुझे मैं. ठीक है और कोई डिवोटी? अरुणा माता जी. ओके बाकी सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ. यस माता जी. पढ़िए. अच्छा आप म्यूटेड हैं. आप अनम्यूटेड हैं. Hare Krishna. The senses are so strong and invidious, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Purport by His Divine Grace, A.C. Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. There are many learned sages, philosophers and transcendentalists who try to conquer the senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victims to material sense enjoyment due to the agitated mind. Even Vishwamitra, a great sage and perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment. Although yogi was endeavoring for sense control with the severe type of penance. Okay. Yes. And yoga. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. Without engaging the mind in Krishna, one cannot cease such material engagements. A practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and devotee, who says, Yadavadi mamacheta Krishna padaravinde navanava rasa damne daman उद्यतुम रद्धमासित तदावधि बता नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुखा विकार सुष्टु निष्टु वनंचा. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna and have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at the thought. Krishna consciousness is such a transcendentally nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if a hungry man had satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutritious eatables. Maharaja Ambarisha also conquered a great yogi, Durvasa Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Savai mana Krishna padara yandayor vachamsi vaikunta gunan varnane. Hare Krishna Prabhuji dandat pranam. Hare Krishna. तो अभी मैं अपने छत पे हूँ, टेम्पल के छत पे, क्योंकि लाइट नहीं है, है ना. दिस इज स्काई. ऊपर जो है स्काई दिख रहा है आपको. ओके सो हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे. थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम. आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के क्लास के लिए आते हैं. तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. अब ये जो श्लोक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है. ठीक है, आपको आवाज क्लियर आ रहा है और विजन आ रहा है ना प्रॉपरली? हरे कृष्णा. ओके थैंक यू. तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने चार प्रश्न पूछे थे. ओके ओके थैंक यू. भगवान कृष्ण से अर्जुन ने चार प्रश्न पूछे थे. क्या प्रश्न थे? स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्तस्य केशवः, स्थितधिम किम प्रभाषेता, है ना, किम आसित ब्रजेत किम. तो पहला प्रश्न था कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है, किस तरह वो. दूसरा प्रश्न है किस तरह वो बोलता है,
इसमें तीन प्रश्न थे, क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, और उसके बाद तीसरा प्रश्न था कि वो किस प्रकार से बैठता है ना, वह किस प्रकार से बैठता है, ठीक है, ये प्रश्न था। अब बैठता है तो कल वाले श्लोक, इससे पहले वाले श्लोक में हमने चर्चा किया था, विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिनाम रसो वजम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब तक किसी को बैठने के अंदर, हम ये चर्चा कर रहे थे, अभी बैठने वाला प्रश्न का उत्तर चल रहा है, बैठने वाले प्रश्न के अंदर किस तरह से जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होता है या जो स्थिर बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है, किस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को समेटता है, किस तरह से वो अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करता है, मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है जब आवश्यकता ना हो, जिस प्रकार से जो है कछुआ अपने अंगों को समेटता है और बाहर निकालता है, उसी प्रकार से जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है वह किस प्रकार अपनी इंद्रियां, जब उसकी इंद्रियां काम नहीं, मतलब इंद्रियों को कोई कार्य ना हो, किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वापस कंट्रोल करता है। अब पॉइंट ये उठता है कि कल के श्लोक में, लास्ट श्लोक में 2.59 में हमने चर्चा किया था कि जब तक किसी व्यक्ति को उच्च स्वाद नहीं होगा, कृष्ण भक्ति का स्वाद नहीं आएगा, उसको भक्ति का स्वाद नहीं आएगा, तब तक क्या होगा कि वो वास्तव में इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जब तक किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का स्वाद नहीं आएगा, हायर टेस्ट नहीं आएगा, वास्तविक रूप से वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसके मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना रहती है, तो भले ही कितने भी कृत्रिम तरीकों से वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करे, आर्टिफिशियल तरीकों से, लेकिन वो इंद्र तृप्ति में गिर ही जाएगा, जैसे इस श्लोक में उदाहरण है विश्वामित्र मुनि का। लेकिन अगर किसी को कृष्ण भावना के अंदर, कृष्ण भक्ति के अंदर टेस्ट आता है तो वो गिरने से बच जाएगा, ठीक है। अब आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में जो ये आज का श्लोक हमारे लिए सेट होता है, हम सब साधक हैं, हमारे लिए ये श्लोक क्यों सेट होता है, क्योंकि आज के श्लोक में बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, जिसको जो है कृष्ण की भक्ति का उच्च स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है ना, किसी को अगर हाइयर टेस्ट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए अगर किसी को हाइयर टेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और एक तो हाइयर टेस्ट ना मिले, दूसरा भौतिक भोग, भौतिक आकर्षण भी उसका जो है बना रहे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको जो है भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और जो है उसका भौतिक आकर्षण भी बना रहे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि अगर भक्ति में टेस्ट आएगा तो वो उठ जाएगा, और पूरा भौतिकवादी होगा तो भक्ति के पास आएगा ही नहीं। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं, जिनको जैसे हम जैसे साधक लोग हैं, है ना, तो अगर हमको भक्ति का टेस्ट नहीं आ रहा है ना, इफ वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पिरिचुअल टेस्ट, अगर हमको भक्ति में कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, और साथ साथ में हमारा भौतिक आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है, भौतिक आकर्षण वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा पहला था, और भक्ति में टेस्ट भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हानि हो सकती है, इस श्लोक में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि अगर कोई व्यक्ति है, एक्चुअली थोड़ा हवा चल रहा है, तो मैं जानना चाहता था कि आपको साउंड में कुछ डिस्टर्बेंस तो अनुभव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इधर छत पे हवा चल रहा है, आपको कुछ साउंड में डिस्टर्बेंस लग रहा है, या साउंड इज ओके क्लियर, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, ओके ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत का उच्च स्वाद नहीं मिलता, हाइयर टेस्ट नहीं मिलता है, भक्ति में स्वाद नहीं आ रहा है, और भौतिक भोग के प्रति उसका आकर्षण है, भौतिक भोग के प्रति, विषयों के प्रति उसका आकर्षण बना रहे, तो वह कितना ही विद्वान या बुद्धिमान हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना ही प्रयास क्यों ना करे, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसकी इंद्रियां उसके मन का अपहरण कर लेंगी, किडनैप कर लेंगी उसकी इंद्रियां उसके मन को, है ना, और वो विषय भोग के गर्त में गिर जाएगा, आप समझे। तो अगर किसी को हाइयर टेस्ट नहीं मिलता और उसको भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण है, वो कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी विद्वान हो,
कितना भी प्रयास करे वो भौतिक भोग के अंदर गिर ही जाएगा, ये भगवान बता रहे हैं। आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। तो अब यहाँ पर हम शब्द बाय शब्द चर्चा करेंगे। पहला है कौन्तेय, भगवान ने अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द यूज किया है। कौन्तेय शब्द, कौन्तेय शब्द का मतलब क्या ये जानना चाहिए। कौन्तेय किसका नाम है? अर्जुन का। अर्जुन की माँ का नाम क्या था? कुंती। तो कुंती से ही कौन्तेय शब्द निकला है, ठीक है। अब पर यहाँ पर ये कौन्तेय शब्द क्यों बोला गया है, इसका इस प्रसंग से क्या कनेक्शन है, ये सोचना चाहिए। जो कुंती महारानी थी बचपन में, उन्होंने, आप सब कुंती महारानी के बारे में जानते हैं, जब वो अविवाहित थी, अनमैरिड थी, उस समय दुर्वासा मुनि जो है, एक मुनि है जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो है नाराज भी हो जाते हैं। जनरली श्राप देने के लिए फेमस है दुर्वासा मुनि, ठीक है ना। तो दुर्वासा मुनि थे, वो जहां पर भी जाते हैं जनरली श्राप ही देते हैं, सब लोग उनसे डरते हैं। तो ये दुर्वासा मुनि जो थे वो इनके पास आए थे, माँ कुंती के पास। तो जो कुंती महारानी थी, माँ कुंती थी, दुर्वासा मुनि इसलिए आए थे ताकि इनको श्राप दे सके, क्योंकि आज तक कोई भी जनरली 99% जो लोग होते हैं वो दुर्वासा मुनि जो थे, दुर्वासा मुनि को जो है उनके गेस्ट नाराजी करते थे। दुर्वासा मुनि को सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं था। केवल कुंती महारानी का कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुंती महारानी वो जो है उन्होंने दुर्वासा मुनि को इतना प्रसन्न कर दिया कि दुर्वासा मुनि उनको श्राप नहीं दे पाए। और दुर्वासा मुनि कैसे थे, कुंती महारानी ने अपने आलस्य का और अभिमान का त्याग किया और वो दुर्वासा मुनि की उन्होंने ऐसी सेवा की कि अपनी उनकी इंद्रियां जो थी दुर्वासा मुनि की सेवा में लगी हुई थी, है ना। दुर्वासा मुनि क्या करते थे, कभी तो लेट आते थे, है ना, भोजन लेने के लिए, या कोई कभी जो है आते ही नहीं थे, और कभी कभी ऐसी चीज मांगते थे भोजन के अंदर जो इतना आसान नहीं होता था उसको लाना। लेकिन कुंती महारानी ने पूरा प्रयास किया कि उनको सेटिस्फाई कर सके, उनको हर प्रकार से कोई कमी ना हो। दुर्वासा मुनि उनके उनके प्रयास से जो है प्रसन्न हो गए, क्योंकि कुंती महारानी क्या थी, विनम्र थी, शील थी, संयम था उनके पास और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। तो इसी कारण से, चूंकि पहले की स्त्रियों का ट्रेनिंग होता था, पहले की जो माताएं होती थी उनका ट्रेनिंग होता था घर पे ये सब चीजों में, है ना। तो उनको इतना अच्छा ट्रेनिंग मिला था कि जो है उनके माता पिता से, कि उनमें जो है उसी कारण से उनमें संयम, सेवा भावना, सदाचार का नींव उनके बचपन से ही पड़ा था, ठीक है ना। तो दुर्वासा मुनि उनसे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए इसका कारण क्या था कि कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की ऐसी सेवा की कि उनकी कोई इंद्री उन दुर्वासा मुनि की सेवा से भटकी नहीं, है ना। तो ये क्यों था, इसका कारण था कि कुंती महारानी किसकी बुआ है, कृष्ण की बुआ है, तो ये कृष्ण की कृपा से संभव हो पाया। तो मेरा पॉइंट ये था, कौन्तेय शब्द हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर भगवान, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम उस कुंती के पुत्र हो जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जो है वश में कर रखा था, है ना, और तुम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। कुंती महारानी ने कृष्ण भावना अमृत के बल पर, कृष्ण की कृपा से अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया था। बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान और तपस्वी लोग जो हैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुंती महारानी कर पाई। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की भुआ थी वैसे तो, लेकिन ऑफकोर्स कृष्णा इज डिवोटी, और आप उनके पुत्र हैं और आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे, आपको भी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम किसके पुत्र हो, कुंती के। कुंती कौन थी, जिन्होंने अपनी जो है इंद्रियों को वश में किया था। तो इस प्रकार से कौन्तेय शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि भगवान याद दिला रहे हैं कि भैया तुम ऐसी विरासत से हो, तुम साधारण विरासत से नहीं हो, तुम्हारी माँ जो है वो अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करती थी, ये याद दिला रहे भगवान, ताकि अर्जुन कॉन्फिडेंट हो और युद्ध करे। अब अर्जुन का जो प्रश्न था, ठीक है ना, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य तीसरा प्रश्न किस प्रकार बैठता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य इस प्रकार से बैठता है या अपना आसन जमाता है कि जो इंद्रिया, जो महाचोर, इंद्रियों का जो है यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है चोर से, इंद्रियों का कंपैरिजन किया गया है चोर से, थीफ से। कुंती महारानी जो थी वो वास्तव में जो है वासुदेव की बहन थी, सॉरी वसुदेव,
देवकी वसुदेव, कृष्ण के पिता थे देवकी, सॉरी वसुदेव जी, उनकी बहन थी कुंती, तो कृष्ण की क्या लगी? भुआ। तो पॉइंट ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियों को चोर से कंपेयर किया गया। चोर जो होते हैं, चोर क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सामग्री होती है, धन होता है, उसको चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर मन को कंपेयर किया गया धन से। तो भगवान बोल रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस प्रकार से बैठता है या आसन जमाता है कि जो ये चोर है ना, इंद्रिय रूपी चोर, ये मन का अपहरण ना कर ले, ये मन को चुरा के ना ले जाए। मन को एक धन से कंपेयर किया गया, धन के समान, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मन जो है आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। एक श्लोक आता है, मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे बुरा शत्रु भी। एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय विषयान, सॉरी, बंधाय विषया संगो मोक्षाय निर्विषय मनः। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मन जो है मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। विषयों में जो मन लगा हुआ है, भौतिक जो इंद्रिय विषयों में जो मन लगा हुआ है, वो बंधन का कारण है। लेकिन जो मन जो है भगवान में लगा हुआ है, मुक्ति का कारण है, ठीक है। तो यदि मन अगर विषयों में लगा है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में, तो वो बंधन का कारण है। लेकिन अगर यही मन भगवान में लग जाए, और इसलिए हम बोलते हैं मंत्र, मंत्र का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, मंत्र का मतलब होता है मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे। किससे तार दे? एंजाइटी से, है ना, मनोधारणाओं से। तो ये मंत्र का मतलब होता है जो मन को तार दे। किससे तार दे? चिंताओं से, मनोकल्पनाओं से, लाइक दैट। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है वो बहुत सावधान रहता है कि इंद्रिय रूपी चोर जो हैं उसके मन को हरण ना करें, है ना, आप समझ गए। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किस प्रकार बैठता है, तो वास्तव में अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से, अर्जुन पूछ रहे हैं कि वे किस विषय में सावधान रहता है। स्थिर बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है वो किस विषय में सावधान रहता है और किस प्रकार सावधान रहता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये। तो उसका उत्तर क्या है कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मन के विषय में बहुत सावधान रहता है, मन गलत डायरेक्शन में ना जाए इसके विषय में बहुत सावधान रहता है। और किस इस प्रकार सावधान रहता है कि इंद्रिया किसी भी प्रकार से उसके मन का अपहरण ना कर पाए। मतलब जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, जो एडवांस डिवोटी होगा, वो हमेशा मन पे नजर रखता है, मन जो है वो कहीं भटके नहीं। तो वो क्या करता है, बहुत सावधान रहता है कि मन कहीं इधर उधर ना जाए। और किस प्रकार सावधान रहता है, इस प्रकार से सावधान रहता है कि इंद्रियां उसके मन को चुरा ना ले। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े विवेकवान, जिनमें बहुत विवेक था, बड़े बड़े विद्वान लोगों की इंद्रियों ने भी उनके मन का हरण कर लिया। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण है महाराज पांडु का, जो पांडवों के पिता थे महाराज पांडु। तो आप सबको पता है जो महाराज पांडु थे उनको श्राप मिला था किंदिम ऋषि से। एक ऋषि थे किंदिम ऋषि, पांडु राजा थे, वो जो है जंगल में शिकार खेलने गए थे। और एक ऋषि थे जो जानवर के रूप में अपनी पत्नी के साथ जो है संतान उत्पत्ति की क्रिया कर रहे थे। तो उन्होंने जो उनको तीर मार दिया, है ना, जो ऋषि थे उनकी पत्नी थी, दोनों को तीर मार दिया जानवर समझ के। और जो राजा थे किंदिम राजा, उन्होंने श्राप दे दिया उनको। क्या श्राप दिया कि बोले तुमने जो है इस प्रकार से हमको मारा है, तो तुम भी जब संतान उत्पत्ति क्रिया के लिए जाओगे अपनी पत्नी के साथ में, तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया था किंदिम ऋषि को, किंदिम ऋषि ने पांडु जी को। इसलिए पांडु जो है वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे, उनको पता था। इस कारण से वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जंगल चला जाऊंगा, है ना, और बहुत तपस्या करूंगा। उनकी दो पत्नियां थी पांडु की, आप जानते हैं, एक तो कुंती और एक माद्री। तो कुंती जो थी उनसे जो है, कुंती महारानी तो फिर जो है पांडवों की जो है उन, कुंती महारानी को दरअसल एक्चुअली वरदान था। किससे वरदान था? ये जो वरदान उनको मिला था
जो है देवताओं से, किसी भी देवता से, वो जो एक्चुअली दुर्वासा मुनि की सेवा करके ही उनको ये वरदान मिला था कि तुम किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती हो और उससे तुम्हारे जो है चैस्टिटी पे, सतीत्व पे कोई प्रभाव नहीं, कौमार्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुंती महारानी के पास ये विद्या थी। तो लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो पांडु थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं संकल्प लिया कि मैं तपस्या करूंगा, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रहूंगा, है ना, प्रिय अप्रिय की भावना छोड़कर मैं सुख और दुख से ऊपर उठ जाऊंगा, मैं कभी खाऊंगा कभी नहीं खाऊंगा, है ना, मैं जो है अपने शरीर को तपस्या करके सुखा दूंगा, मैं अविद्या के जाल को खत्म कर दूंगा, मैं जटा धारण करूंगा। इस प्रकार से अनेक उन्होंने जो है तपस्या की और वन में रहने लग गए। लेकिन वन में जो है एक बार क्या था, एक दिन क्या हुआ कि महाराज जो पांडु थे वन में विचरण कर रहे थे और उनके साथ जो थी माद्री भी थी, माद्री जो उनकी पत्नी थी, और जो माद्री जो है उन्होंने इस प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। तो अनेक प्रकार से जो है उनके अंदर जो है माद्री को जब उन्होंने देखा, क्योंकि यंग थी माद्री, ये भी यंग थे, और जो है उनके वस्त्रों को देखकर उनके अंदर काम भावना आ गया, काम भावना आ गया तो वो भूल गए उनके श्राप का और उन्होंने प्रयास किया संतान उत्पत्ति क्रिया के लिए। तो जैसे ही संतान उत्पत्ति क्रिया के लिए प्रयास किया तो माद्री जो है उनको श्राप था, उनकी मृत्यु हो गई, उनका शरीर छूट गया पांडु का। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भगवान ने यहाँ पर दो शब्द यूज किए हैं, यतत्तो और विपश्चित। यतत्तो का मतलब है यत्न करते हुए भी और विपश्चित का मतलब है विवेकी व्यक्ति। तो महाराज पांडु का अगर हम उदाहरण लें तो महाराज पांडु ने बहुत संकल्प लिया था, इंद्रियों को नियंत्रण करने का बहुत प्रयत्न भी किया, बहुत समय तक नियंत्रित भी किया था, लेकिन जैसे ही ये स्थिति आई तो वो ये भूल गए इंद्रियों का नियंत्रण और ये जो है इंद्रियों ने उनके मन को हर लिया, काम वेग आ गया। और दूसरा विपश्चित शब्द का मतलब विवेक से युक्त। तो पांडु महाराज को विवेक था, ज्ञान था कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ संतान उत्पत्ति की क्रिया करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये विवेक उनको बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि वो मन को तुरंत हर लेती है। अगर कोई प्रयास भी करे इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, उस व्यक्ति का मन भी हर लेती है इंद्रियां। इंद्रियां बहुत ही शक्तिशाली है, यहाँ पर यही बता रहे हैं, ठीक है ना। और काम जो होता है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से कि ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति जो है पाप क्यों करता है। कई बार हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि मैं नहीं चाहता था प्रभु जी, पता नहीं कैसे हो गया, मैं एक गलती करना नहीं चाहता था या चाहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। ना चाहते हुए व्यक्ति काम जो है बुरे कार्य पाप क्यों करता है? काम के कारण। और ये काम कहाँ पर है? अर्जुन ने पूछा, अच्छा ठीक है, काम के कारण भगवान जो है ना चाहते हुए व्यक्ति पाप करता है, ये काम रहता कहाँ है मुझे बताइए। अर्जुन ने बोला, मुझे बताइए काम रहता कहाँ है, मैं अभी उसका वध कर दूंगा। तो भगवान ने, अर्जुन ने तलवार निकालनी चाहिए, भगवान ने बोला पहले सुन लो अर्जुन, ये काम रहता कहाँ है, उसके बाद वध करना। भगवान ने बोला काम रहता है हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में। जैसे अर्जुन ने सुना तो अर्जुन जो है अब उसकी हालत खराब, क्यों, किसको मारेगा, इंद्रिया और बुद्धि तो हमारे अंदर ही है ना। तो काम का निवास स्थान क्या है? इंद्रिया, मन और बुद्धि, ठीक है ना। तो जो काम शत्रु था उसने सबसे पहले महाराज पांडु की इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किया और फिर जो है इंद्रियों के सहारे काम ने उनके मन पर अधिकार प्राप्त किया। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियां जो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि व्यक्ति के मन को भी हर लेती, ठीक है ना। पर एक तरीका है, आप बोलेंगे प्रभु जी इतना मुश्किल है तो कोई हमारा तो चांस ही नहीं है, है ना। पर एक तरीका है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत की विधि से इस काम शत्रु को इंद्रियों मन और बुद्धि से निकाल देता है ना, तो क्या होगा कि काम शत्रु ज्ञान, काम जो शत्रु है ये ज्ञान को ढक नहीं पाएगा, ये जो काम रूपी शत्रु है ये ज्ञान को ढक नहीं पाएगा, और ज्ञान को नहीं ढक पाएगा तो व्यक्ति अपनी जो है अवस्था को भूलेगा नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा कार्य भोग करना नहीं, कृष्ण की सेवा करना है। अक्सर हम लोग भी कई बार इंद्र तृप्ति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्यों, क्योंकि हम भूल जाते हैं क्या कि मैं कृष्ण का दास हूँ, हाँ कृष्ण के दासों का दास हूँ। ऐसे कई उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण मैंने बताया पांडु और माद्री का, एक उदाहरण है शिवजी का। शिवजी बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के वैष्णव हैं, लेकिन शिवजी ने जब मोहिनी जी को देखा, मोहिनी मूर्ति को, तो
तो वो भी जो है अपनी इंद्रियां, उनकी इंद्रियों ने उनके मन को हर लिया, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को। और एक उदाहरण आता है कालिदास जी का। कालिदास जी जो थे बहुत बड़े जो है स्कॉलर थे, विद्वान थे संस्कृत के, ठीक है ना, लेकिन वो जो है उनका भी जो एक दासी थी, वो दासी के साथ उनका जो है कुछ ऐसा था कि दासी के साथ भाग गए थे, ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण है। अब पॉइंट ये है, यस, जैसे एक बार प्रभुपाद जी ने बोला था हरे कृष्णा, तो एक मेरा जस्ट अ मिनट, मैं एक श्लोक उच्चारण करवाना चाहता था आप लोगों से, है ना। तो मैं आपको जो है, बहुत अच्छा श्लोक है, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए कृष्ण भावनामृत के माध्यम से। तो मैंने आपको अनम्यूट किया है और मैं चाहता हूं कि एक श्लोक आप ये उच्चारण करें, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक है ना, आप लोगों को याद करना चाहिए, जो श्लोक हम अभी उच्चारण करेंगे ये मैंने पहले भी बताया है, ये श्लोक आपको याद करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, ठीक है। ओके, यस, हरे कृष्णा। अब इधर ध्यान दीजिए सब, हरे कृष्णा ये बोलिए मेरे पीछे, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदा जो मुंह है वो थूकने का मन करता है, मेरा मुंह एक तरफ मुड़ जाता है और मुझे थूकने की इच्छा होती है। आप सोचिए, इस संसार में सबसे बड़ा जो है बताया जाता है, इस सबसे बड़ा सुख जो है मैथुन क्रिया, हालांकि वो सुख नहीं है, वो दुख का स्रोत है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो है मतलब इतना आनंद मिलता है कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण की सेवा में बड़ा आनंद है, तो वो जब ऐसा विचार आता है उनके मन में तो उनका मुंह जो है एक तरफ मुड़ जाता है, उनको थूकने की इच्छा करती है, मतलब इतना तुच्छ सुख है, ठीक है। तो ये श्लोक जो है ये याद करना चाहिए आप लोगों को। अब हम प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करते हैं। एक जिस समय शिला प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तो अपने शिष्यों को ट्रेन कर रहे थे, है ना, तो कुछ शिष्यों के मन में विचार आया कि वो शिला प्रभुपाद जी के समान बन गए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो जब भक्त लोग धीरे धीरे पुराने होते हैं तो वो अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं, तो कुछ शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको ऐसा लगा कि वो भी प्रभुपाद जी के समान बन चुके हैं। तो प्रभुपाद जी तो जानते थे, एक्सपर्ट थे कि किस किस का अहंकार बढ़ गया है, प्रभुपाद जी जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, एक बार प्रभुपाद जी ने बोले मुझ में और तुम्हारे में क्या अंतर है जानते हो। प्रभुपाद जी ने बोला कि यदि तुम मुझे बंद कमरे में एक नग्न स्त्री के साथ छोड़ दोगे तो भी मेरा पतन नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अपने को एक कमरे में नग्न स्त्री के साथ रखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, है ना। तो ये शिला प्रभुपाद जी ने बोले मैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, उनकी कृष्ण भावना पूर्णतया विकसित थी, मतलब वो 100% कृष्णा कॉन्शियस थे, इस कारण से उनकी इंद्रियां शुद्ध थी पूर्ण रूप से और उनमें जरा भी भोग करने की प्रवृत्ति नहीं थी। पर ये उनको शक्ति कैसे मिली, शिला प्रभुपाद जी अपने दम पे नहीं बोल रहे थे कि मुझे अगर आप किसी स्त्री के साथ
छोड़ दोगे कमरे में नग्न नग्न स्त्री के साथ तो भी मेरा पतन नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी ने किस बेसिस पे बोला? इस बेसिस पे बोला कि उनको वो कृष्ण से लगातार प्रार्थना करते थे, कृष्ण का आश्रय ले रखा था। इसका मतलब ये है कोई अपनी बुद्धि के बल पे, कोई अपनी शक्ति के बल पे अगर इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्या मेरा जो है? हरे कृष्णा, मेरा वीडियो नहीं आ रहा क्या? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, मैं समझ नहीं पाया प्रभु। आप बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। अजिंक्य प्रभु, हरे कृष्णा, मेरा वीडियो आ रहा है ठीक से? ऑडियो आ रहा है? यस प्रभु जी, आपका वीडियो आ रहा है। ओके, वो स्क्रीन मैंने बंद कर दिया है, भगवत गीता वाला, वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ केवल। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि प्रभुपाद जी को इतना शक्ति कहाँ से मिलता था, क्योंकि कृष्ण का आश्रय ले रखा था। अगर प्रभुपाद जी भी पांडु की तरह, अगर शिला प्रभुपाद जी पांडुओं की तरह, पांडु महाराज पांडु की तरह अपने बल पर और अपने विवेक पर अगर विश्वास करते तो शायद वो जो है ऐसा नहीं बोल पाते। आप समझ पा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी क्यों ऐसा बोले कि मुझे एक नग्न स्त्री के साथ भी तुम कमरे में छोड़ दोगे मेरा पतन नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कृष्ण का आश्रय ले रखा था। तो पॉइंट ये है कि जब तक कोई कृष्ण भाव, कृष्ण का आश्रय नहीं लेगा, कृष्ण की सेवा में सारी इंद्रियों को नहीं लगाएगा, तब तक उसका जो है श्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है कि वो टिकेगा नहीं टिकेगा मैदान में। इसलिए सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो है इस पे लेक्चर दिया था 29 अप्रैल 1966 इस श्लोक पे न्यूयॉर्क पे। तो शिला प्रभुपाद जी अपने लेक्चर से बोल रहे हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल और अनियंत्रित हैं, क्या बोल रहे हैं कि कितना भी हम प्रयास करें कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से कितना भी प्रयास करें उनको कंट्रोल करने का, लेकिन जो है एक विशेष बिंदु पे आके ये हम एक विशेष बिंदु पे आके हम फेल हो ही जाएंगे। हम कितना भी प्रयास करें लेकिन एक विशेष पॉइंट पे आके हम फेल हो ही जाएंगे, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भले ही कोई शिक्षित व्यक्ति हो, कितना भी एजुकेटेड हो, विद्वान हो, अगर कृष्ण की शरण नहीं लेगा, भक्ति का शरण नहीं लेगा, तो बच नहीं पाएगा इंद्रियों से, इंद्रियों के अटैक से। और कोई कितना भी अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति करेगा तो इंद्रियों के अटैक को टॉलरेट कर जाएगा और उसका पतन नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने उस लेक्चर में ये भी बोला था कि इसलिए वैदिक आदेश क्या है पता है आपको? वैदिक लेवल, वैदिक स्टैंडर्ड कितना हाई है। वैदिक स्टैंडर्ड के अनुसार बताया जाता है, अगर हम ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लें विश्वामित्र मुनि का या फिर पांडु महाराज का, तो वैदिक आदेश बताता है कि केवल एक आश्रम में स्त्री संघ के लिए जो है छूट दी जाती है, वो है गृहस्थ आश्रम। बाकी सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ, उसमें स्त्री संघ के लिए छूट नहीं होती है। और यहाँ तक कि इतना बताया गया है श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में आता है। क्या बताया गया? देखिए इतना हद तक आप सोचेंगे श्रीमद् भागवत पुराण है, वो तो परम हंसों के लिए है। श्रीमद् भागवतम जो है वो परम हंसों के लिए है, उसमें क्या बताया गया है? इतना हाई स्टैंडर्ड बताया गया है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसपि विद्वांसमपि कर्षति। ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक है। बोला गया है कि वैदिक लेवल में इतना अधिक हाई लेवल था, इतना अधिक हाई स्टैंडर्ड था, बताया गया है कि व्यक्ति को एकांत स्थान पे, व्यक्ति को एकांत स्थान पे अपनी माता, अपनी बहन और पुत्री के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। ये वैदिक शास्त्रों का आदेश है। क्योंकि क्यों? क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है, इंद्रियां इतनी प्रबल है कि कोई विद्वान व्यक्ति भी क्यों ना हो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। इतने हाई लेवल्स वैदिक प्रिंसिपल्स होते थे। इसलिए पहले जो पति पत्नी भी होते थे उनका जो है वो जब रहते थे तो पत्नी अलग जगह जो है उनका रूम अलग होता था, पति का रूम अलग होता था, है ना? सॉरी, पति पत्नी जो होते थे वो दिन भर मिलते नहीं थे, है ना? और जो उनका जो, अगर आप वैदिक सिस्टम में जाएंगे, दिन भर वो बिजी रहते थे ऐसा नहीं था। और जो है उनके लिए स्टैंडर्ड सेट थे, ऐसा नहीं कि पुरुष जो है कभी भी जो है स्त्री के पास जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब सिस्टम था, वैदिक सिस्टम।
तो पॉइंट ये है कि शिला प्रभुपाद जी ने ये जो श्लोक बोला है भागवत से, बलवान इंद्रियम ग्रामम विद्वान सपी न करशति, के इंद्रियों पे कितना भी कोई जो है विद्वान, कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, वो इंद्रियों के अटैक को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इंद्रियां जो है उसके मन को हर लेंगी। ये भागवत का सिद्धांत है। लेकिन कुछ कुछ और भी उदाहरण है, जैसे ये मैंने आपको पांडु का उदाहरण दिया, एक उदाहरण सुखदेव महाराज का आता है। सुखदेव गोस्वामी कौन थे जिन्होंने भागवत सुनाया था परीक्षित महाराज को? तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे, जन्म से ही मुक्त पुरुष थे। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही माँ के गर्भ से निकले, व्यासदेव उनके पिताजी थे, तो पिताजी उनके पीछे भागे, बेटा कहाँ जा रहे हो? पहले तो सुखदेव गोस्वामी निकलना ही नहीं पसंद कर रहे थे गर्भ से। सुखदेव गोस्वामी को लग रहा था अगर मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा मुझे माया पकड़ लेगी। तो उनको फिर भगवान वासुदेव ने, द्वारकाधीश ने जो है ये परम वरदान दिया कि तुमको माया नहीं पकड़ेगी, फिर वो गर्भ से बाहर निकले। और सुखदेव गोस्वामी इतने डिटैच थे, उनको पता ही नहीं था कि स्त्री पुरुष में क्या अंतर है। तो सुखदेव गोस्वामी एक बार जा रहे थे तो वहां पर बहुत सारी स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी, तो उनको बिल्कुल भी जो है कोई शर्म नहीं आई। मतलब पॉइंट ये था कि सुखदेव गोस्वामी को स्त्री पुरुष के बीच में भेद नहीं पता था। तो बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, पर उन्होंने जो है अपने वस्त्र धारण नहीं किए, उनको कोई संकोच नहीं हुआ, और सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चले गए वहां से, क्योंकि वो तो स्त्री पुरुष में जो है जानते ही नहीं थे कि भेद क्या होता है ना? आप समझ गए? तो आप समझ पा रहे हैं, इसलिए व्यास भागवत का सबसे पहला ग्राहक किसको बनाया? व्यास देव जी ने। यस, हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण है, करेक्ट। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है ऐसे व्यक्ति को सुनाया गया जो ऑलरेडी मुक्त था, सुखदेव गोस्वामी वो मुक्त थे, परमहंस थे, परमहंस चूड़ामणि, फिर भी श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत की महिमा कही गई है। साधु असाधु साधु तादाई ना अति नीचोचतः कर हाना मुंचा कदाचिन माम प्रेमना हृत कंथ या स्फुरहा, कि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो दूषित व्यक्तियों को भी शुद्ध कर देता है। पर श्रीमद् भागवतम किसको सुनाया गया? जो परम हंस थे, सुखदेव गोस्वामी, जिनको स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं पता, तो ऐसे व्यक्ति थे। तो यहाँ पर है, अब पॉइंट ये है, सुखदेव गोस्वामी का आचरण हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो परम हंस थे, है ना? ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है ना कि मेरा पतन नहीं होगा। पॉइंट ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, पर फिर भी कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि जो है जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो भी नियम का पालन करते हैं, जो सन्यासी होते हैं वो भी नियम का पालन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद नियम का पालन करते थे, वो कई गुना वो सन्यासी थे और इतने कठोर थे कि माताओं को बहुत सम्मान देते थे और उनसे बहुत दूरी बना के रखते थे। तो पॉइंट ये है कि क्यों ऐसा करते थे, हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनका क्या पतन होगा, या जो बड़े एलिवेटेड डिवोटीज उनका पतन नहीं हो सकता, लेकिन यदि वो ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो सामान्य लोग भी उनका देखा देखी आचरण करने लग जाएंगे और उससे जो है बड़ा समस्या होगा। अब आप जो है, अब इसको एक्सट्रीम हमको नहीं लेना, एक उदाहरण और बताता हूँ आपको। शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। एक बार जो है, मतलब देखिए इसको जो है एक्सट्रीम नहीं लेना है, लेकिन एक सिद्धांत समझना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे वो कौन थे? वो सन्यासी थे और बहुत ही स्ट्रांग डिवोटी थे। उनसे मिलने के लिए एक बार उनकी सिस्टर आई थी, तो उनके जो भी सन्यास जो भी शिष्य थे वो चले गए बाहर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या बोला, उनको डांटा अपने शिष्यों को। क्या, क्यों डांटा? उन्होंने बोले कि आप लोग मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? आपको पता है ना क्या बोला उन्होंने? बोले तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए जिस समय मैं माया के साथ कमरे में अकेला था। हालांकि वो उनकी बहन है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आइडियल उदाहरण दे रहे हैं। ऑफकोर्स उनको कोई काम भावना नहीं था, लेकिन आज के संसार में हम देखते हैं कि जो इतना डिग्रेडेशन आ गया है, इतना बुरा स्थिति आ गया है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि जो है एक बूढ़ी स्त्री के साथ भी जो है कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया, और भाई बहन का जो रिश्ता है वो भी आजकल इतना पतित हो चुका है। इसलिए जो है पॉइंट ये कि आज बहुत डिग्रेडेशन है समाज के अंदर। इसलिए जो है ये भागवत में बताया गया है, पहले से बताया गया है कि हमको जो है आचरण पालन करना चाहिए, माताओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और
इतना हाई स्टैंडर्ड बताया गया है कि अपनी माता, अपने बहन, अपनी पुत्री के साथ भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए। तो ये ऐसा ही नहीं है कि जो है इतना एक्सट्रीम होता है क्या प्रभु जी, ये तो फैनेटिकल है, ऐसा नहीं है। सोच समझ के शास्त्र के सिद्धांत बताए जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ये तो मैंने जो है स्पर्श इंद्रिय का उदाहरण दिया, लेकिन और भी इंद्रियां हैं। जैसे आपने देखा होगा पतंगा होता है, पतंगा क्या करता है, आग में घुस जाता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जो आग में घुस जाते हैं, उसको पता है मर जाएगा वो, लेकिन वो अब कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी जो है वो आग में, या ट्यूबलाइट, जलती हुई ट्यूबलाइट या बल्ब से चिपक जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसकी जो आंख है वो उसको लेके जाती है। उसी प्रकार से जीभ जो होती है, मछली जो होती है, मछली उसकी जीभ जो है अनकंट्रोल होती है, जब उसको मछुआरा फंसाता है तो वो क्या करता है, एक छोटा कीड़ा लटका देता है ना, और वो उस कीड़े को पकड़ने के चक्कर में मछली जो है वो पूरा जो काटा होता है वो उसके पेट तक चला जाता है। ऐसे ही जो है कान से कौन कान जो श्रवण इंद्रिया है, हिरण जो है वो श्रवण इंद्रियों के माध्यम से पकड़ा जाता है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी क्या है, बहुत सुंदर म्यूजिक बजाता है और हिरण पकड़ में आ जाता है। इसी तरीके से जो वो होता है ना क्या बोलते हैं भ्रमर, भ्रमरा, वो कैसे फंसता है, नाक से, वो कमल में जाता है, कमल के फूलों को खाता है एक्चुअली, भंवरा जो होता है सॉरी कमल के फूलों पे बैठता है, लेकिन रात्रि के समय क्या होता है कि कमल के फूल जो है हाथी जो होता है वो क्या करता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पानी में घुसकर कमल के फूलों को खाता है। तो भंवरे को पता है कि मैं मर जाऊंगा अगर अभी नहीं गया तो, लेकिन भंवरा जो है कमल के फूलों की सुगंध छोड़ ही नहीं पाता और फिर हाथी के मुंह का निवाला बन जाता है। तो पॉइंट ये कि एक एक इंद्री, एक एक जीभ पे इतनी भारी पड़ती है। मछली कैसे फंसती है जीभ से, हाथी कैसे फंसता है स्पर्श इंद्रियों से, है ना। और अब सोचिए मनुष्य की क्या स्थिति है, उसमें पांच की पांच इंद्रियां, एक एक इंद्री सफिशियंट है एक जीव को फंसाने के लिए, और मनुष्य में पांचों की पांचों इंद्रियां हैं फुल शक्ति के अंदर, तो कैसे बच पाएंगे, कितना असंभव है, लेकिन संभव है। कैसे, कृष्ण भावनामृत के द्वारा। कृष्ण भावनामृत से इतना आनंद मिलता है, इतना दिव्य है भक्ति, कि भक्ति का अनुशीलन करने से इतना आनंद मिलता है आंतरिक रूप से, जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो उसको अगर पुष्टिदायक भोजन दिया जाए तो उसको जो है पेट भरने का जो भी है अनुभव भी होगा, और उसको जो है उसका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, है ना। तो कृष्ण भावना भक्ति का अगर कोई प्रयास करता है तो धीरे धीरे इंद्र तृप्ति से उसका मन जो है अपने आप ही जो है निरासक्त हो जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं करती नेचुरल इंद्र तृप्ति करने की। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जब हम भक्ति में नहीं थे, पहले जुड़े थे भक्ति में जुड़े थे, और आज बहुत डिफरेंस है। पहले हम अपनी इंद्रियों को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम कुछ चीजों से हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। हम जाते हैं सड़क पे, कुछ भोजन देखते हैं तो हमारी इच्छा नहीं होती नेचुरली, क्यों, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस से हायर टेस्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर कृष्ण के लिए एक शब्द आया है, एक नाम है मनोहर, भगवान का नाम है मनोहर, मनोहर मतलब मन का हरण करने वाला, है ना। तो पॉइंट ये है कि हम अपने मन को मक्खन के समान अगर निर्मल और शीतल बना लें, तो जिस प्रकार श्री कृष्ण क्या करते हैं मक्खन को चुराते हैं, अगर हम अपने मन को निर्मल और शीतल बना लें, सॉफ्ट बटर, तो कृष्ण हमारे मन को भी चुरा लेंगे। और वो कैसे होगा, दूध से मक्खन कैसे निकलता है, जब बिलौने से हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो वैसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा जो मन होता है वो निर्मल बन जाता है, मक्खन के समान सॉफ्ट बन जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे मन रूपी मक्खन को चुराएं, आप चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को जो है निर्मल करना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वो हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से होगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। कोई प्रश्न है आप लोगों का, हरे कृष्णा, किसी कोई प्रश्न नहीं है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, पूछिए प्रभु जी। मेरा प्रश्न इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है,
मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप इसी श्लोक से रिलेटेड पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या हमारा नहीं, समय नहीं, प्रभु जी, बहुत। मैं ये पूछ रही थी कि जो आप ये क्लास लेते हैं भगवद गीता की, तो इसकी आईडी डिफरेंट डिफरेंट है क्या? कई बार लगता है वो और कई बार नहीं लगता? नहीं, आईडी अभी ये जो आईडी आ रही है ना, ये आईडी रहेगी काफी समय तक, क्योंकि हमारे पास कोई पहले चैनल नहीं था जूम का, तो ये चैनल अभी जो है हमको एक मिला है एक डिवोटी से, अभी इसी पे रहेंगी। कभी कभी चेंज होता है लेकिन मैसेज आ जाता है ना आईडी का। वो तो कल हुई थी प्रभु जी क्लास? कल नहीं हुई थी। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न प्रभु जी? आपने जो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो लास्ट में मक्खन वाला एग्जांपल दिया था, वो उसको और समझाएंगे? देखिए मक्खन जो होता है, भगवान कृष्ण हमेशा ताजा मक्खन और सॉफ्ट मक्खन चुराते हैं, तो भगवान को नवनीत तस्कर बोलते हैं। नवनीत तस्कर, जो नवनीत की मक्खन की तस्करी करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान हमारे मन को भी चुराएं, भगवान का एक नाम है मनोहर, तो हम अपने मन को हमको शुद्ध बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा, सॉफ्ट बनाना पड़ेगा बटर के समान। वो कैसे होगा? हरे कृष्ण जप के माध्यम से। जैसे हम छाछ के अंदर वो चलाते हैं ना, दूध के अंदर दूध से घी निकालते हैं, और फिर जो आपने बिलोना बोलते हैं उसको, है ना, उससे दही को बिलोना मथते हैं, तो उसे दही को मथते हैं तो उससे जो फिर जो है दूध को गर्म करते हैं, फिर मथते हैं, उसे घी निकलता है। उसी प्रकार से चैंटिंग भी वही प्रोसेस है, चैंटिंग का प्रोसेस है। जितना ध्यान पूर्वक सुबह सुबह जप करेंगे, उतना हमारा मन शुद्ध होगा, सॉफ्ट बनेगा, निर्मल बनेगा, और कृष्ण आएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? किसी कोई प्रश्न है? और ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna.